फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आर के ड्रेस डिजाइन फ्रेंड्स आई होप यू ऑल्सो गुड टूडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस कटिंग एंड स्टिचिंग ये देखिए गाइज़ ये हमारा हम इस ड्रेस को थ्री वे में यूज़ कर सकते हैं थ्री वे में व्या कर सकते हैं ये देखिए गाइज हम इसे एज ए सिंपल यूज़ कर सकते हैं ये देखिए हमारा ये एज ए सिंपल गाउन हम इसे व्या कर, कर सकते हैं देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये हमारे सेकेंड का हम अपनी ड्रेस का सेकेंड लुक बताते हैं हमें किस तरह से व्या करना है ये तो देखिए गाइज़ मैंने इस तरह से दुपट्टे को पकड़ा हुआ है आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से दुपट्टे को लिया हुआ है और ये देखिए गाइज़ मैं हमने दुपट्टे को जो कॉर्नर था हमारा दुपट्टे का वो मैंने उसे साइड से जॉइट किया हुआ है ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मैंने इसका जो कॉर्नर था वो जॉइंट कर लिया था और देखिए हमें इस दुपट्टे को शोल्डर पर पीछे की साइड से डालना है तो ये देखिए गाइज़ ये हमारी ड्रेस का सेकेंड लुक है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लुक भी और कितना यूनिक भी लग रहा है ये देख सकते हैं गाइज़ ये हमारी ड्रेस का सेकेंड लुक है और देख सकते हैं गाइज अब हम ड्रेस का थर्ड लुक और फाइनल लुक बताएंगे तो ये गाइस इस तरह से मैंने दुपट्टे को लिया है और देख सकते हैं आप स्क्रीन इस पर इसका जो कॉर्नर था वो साइड से जॉइंट हुआ मैं पहले बता चुकी हूँ और देखिए मैंने इस तरह से दुपट्टे को लिया है जैसे हम साड़ी की साइड तरह से दुपट्टे का पल्लू लेते हैं दुपट्टे का पल्लू लेते हैं इस तरह से हमें दुपट्टे का पल्लू लेना है और अपने शोल्डर पर इस तरह से डाल लेना है तो ये देखिए गाइज ये हमारी ड्रेस का साड़ी वाला लुक बनकर रेडी हो गया है ये देख सकते हैं गाइज अपना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लुक ये देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साड़ी वाला लुक आ रहा है इसे आप इजी वे में डिज़ाइन कर सकते हैं देखिए गाइस अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इससे यह होगा कि मेरे चैनल की जो भी वीडियो की अपकमिंग होंगी वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी इसका कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने वन मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है ये मैंने नेट फैब्रिक लिया है ये देखिए इस पर बनी हुई है ये कितना सिंपल और अच्छा भी लग रहा है तो देखिए मैंने इसे वन मीटर यूज़ किया है और ये देखिए गाइस मैं लाइनिंग के लिए ये मैंने ढाई मीटर शैटून फैब्रिक यूज़ किया है आप चाहे तो अदर फैब्रिक भी ले सकते हैं लेकिन नेट में इसकी शाइनिंग ज़्यादा आएगी तो इसलिए मैंने यही फैब्रिक यूज़ किया है और देखिए गाइज़ मैंने दुपट्टे के लिए नीचे बॉटम और फ्रिल के लिए टोटल मैंने सिक्स मीटर नेट ली है नेट की विद भी काफ़ी होती है और इसकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ये सॉफ्ट भी है तो ये देखिए गाइज़ मैंने इस तरह की नेट ली है और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है तो जिसे मैंने टॉप पार्ट को फोल्ड फोल्ड कर लिया था इस तरह से और इसकी लेंथ गाइज मैं सिक्सटीन इंच रखूँगी और इसकी विर्द मैं ट्वेल्व इंच रखूँगी और शोल्डर पर हम सेवन इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और ये देखिए आर्म होल का भी हम सेवन इंच पर ही मार्क करेंगे ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से और ये देखिए अब हम एक बॉक्स बना लेंगे और ये देखिए हमें आर्म होल के लिए हमें वन एंड हाफ इंच पर मार्क करना है इस तरह से राउंड में शेप दे देनी है और ये देखिए गाइज हम वेस्ट के सॉरी बस्ट के लिए हम नाइन इंच पर मार्क किया है और वेस्ट के लिए हमने एट पॉइंट फाइव इंच पर मार्क किया है और ये देखिए मैं जो हमने मार्किंग की थी उस पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से आप देख सकते हैं ये देखिए और गाइज ये मैं मार्जिन के लिए टू इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से नेक की विद के लिए हमने थ्री नेक की विद ली है बैक एंड फ्रंट दोनों ही नेक की वद के लिए और फ्रंट नेक हम सेवन इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और अब हम देखिए राउंड में शेप दे देंगे और बैक नेक के लिए मैं फोर इंच पर मार्क करूँगी आप चाहे तो डीप बैक नेक भी रख सकते हैं और इसे हम शेप दे देंगे इस तरह से देखिए मैंने हाफ इंच शोल्डर डाउन किए हैं ये देखिए मैंने इस तरह से शोल्डर डाउन किया और हमने जो मार्किंग की थी उस पर हम कटिंग कर लेंगे ये देखिए गाइज हमारी कटिंग हो चुकी है जो भी हमने मार्किंग की थी इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैंने मार्किंग की थी वो मैंने अलग पार्ट अलग कर लिए इस तरह से मैंने साइड कर लेंगे और ये देखिए मैं अभी इसे पिन निकाल लूँगी और इस तरह से ये हमारा टू पार्ट बर, कट कर रेडी हो गए हैं ये देखिए हमें बैक पार्ट को अलग कर लेना है क्योंकि बैक पार्ट की हमने नेक की कटिंग कर ली थी और ये देखिए गाइज़ आप स्क्रीन पर तो देख सकते हैं मैंने नेक को नीचे से थोड़ा सा तिरछा कर दिया था जिससे हमारी नेक का लुक काफ़ी अच्छा आ गया है ये देखिए इस तरह से ही मैं फ्रंट नेक की कटिंग कर लूँगी गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ये इंस्टाग्राम पर ये ड्रेस काफ़ी वायरल है तो मैंने इसीलिए ये ड्रेस बनाया है ये देखिए गाइज हमारी फ़्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है ये देखिए मैं इसे फर्स्ट और हमारे सेकंड बैक दोनों ही पार्ट हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है तो देखिए मैं इसे सेट कर लूँगी इस तरह से और जो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट है मैंने उन पर इसे रख लिया है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे ये देखिए गाइज़ हमारी कटिंग हो चुकी है और गाइज़ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मैंने नेक की कटिंग नहीं की है हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे पहले हम इस पर स्टिच लगाएंगे वन टाइम ये देखिए हम जो हमने कटिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग हम नेक पर स्टिच लगाएंगे इस तरह से ये देख सकते हैं गाइज़ हमारी नेक पर स्टिच लग चुकी है ये देख सकते हैं आप हमने अपने दोनों ही पार्ट पर स्टिच लगा लिया और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए गाइज़ हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से ये देख सकते हैं मैंने हाफ़ इंच का मार्जिन रखा है और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अब हम इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे ये देख सकते हैं गाइज़ ये इस तरह से नेक पर नैक बनाना बहुत इजी होता है और ये देखिए हम इस पर वन टाइम स्टिच कर लेंगे हमें अपने नेक पर टॉप स्टिच कर लगानी है और ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है इस पर भी हमने स्टिच लगा ली है ये देख सकते हैं आप और गाइज इस पर भी हम हाफ़ इंच का मार्जिन देते हुए इसे कट करेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे इस तरह से और गाइज इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक आसानी से टर्न हो जाएगा ये देखिए हमें इसे इस तरह से टर्न कर लेना है और हमें नेक पर भी फ्रंट नेक पर भी वन टाइम स्टिच लगा लेनी है ये देखिए गाइज़ हमारे दोनों ही बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट पर स्टिच लग चुकी है ये देख सकते हैं आप और देखिए गाइज़ कितनी फिनिशिंग के साथ इस पर स्टिच लगी है इस तरीके से गाइज़ इनर पार्ट पर नेक बनाना बहुत इजी होता है ये देख सकते हैं आप हमारे दोनों ही नेक बनकर कर रेडी हो गए हैं ये देखिए गाइज़ मैंने इस तरह से अपने बैक पार्ट को रख लिया है ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लिया है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट हैं और हमें इनके शोल्डर जॉइंट कर लें हमें दोनों ही शोल्डर जॉइंट करनी है हमें साइड फ़िटिंग भी लगा लेनी है ये देखिए गाइज ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली थी तो ये देखिए गाइज़ हम स्लीव्स को अपनी को इस तरीक़े से जॉइंट कर लेंगे हमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेनी है और ये देखिए गाइज ये हमारा बॉटम पार्ट है जिसके लिए हमें पहले सबसे पहले हमें बॉटम की कटिंग कर लेनी है ये हमारा फैब्रिक टू फोल्ड किया है मैंने इस तरह से गाइज़ मैंने जो दुपट्टे के लिए नेट थी वो मैंने ढाई मीटर वो मैंने अलग से निकाल ली है और जो फैब्रिक बचा था वो मैं इसमें से बॉटम कट करूँगी इस तरह से ट्राइंगल शेप में इसे फोल्ड कर लूँगी गाइज़ अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे इससे आपको पता चलेगा कि हमारी ड्रेस की कटिंग किस तरीके से की गई है ये देखिए गाइज़ ये हमारा टॉप पार्ट जो हमने स्टिच लगाई थी और हमने शोल स्लीव जॉइंट की थी ये हमारी स्लीव जॉइंट्स हो चुकी हैं देख सकते हैं गाइज़ हमने अपने पार्ट को लेना है और इस तरह से हमने फैब्रिक पर लग लेना रख लेना है इससे हमें वेस्ट का मार्क करने में इजी होता है और ये देखिए गाइज हम थर्टी फोर इंच सॉरी ट्वेंटी फोर इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से गाइज़ हम इसे अम्ब्रेला कट में कट कर रहे हैं तो इस तरह से हमें मार्क करना है आपको भी फैब्रिक इसी तरह से रख लेना है ये देखिए गाइस हमारी मार्किंग हो चुकी है हमने ट्वेंटी फोर इंच पर मार्क किया है और हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से ये देखिए गाइस अब हम जो हमने मार्किंग की थी हमें उसी पर मार्किंग पर अपने इस फैब्रिक को कट कर लेना है ये देख सकते हैं गाइस हमने गाइस इसकी लेंथ इसलिए कम रखी है क्योंकि हमें इसमें नीचे और भी डिज़ाइनिंग करनी है और ये देखिए हमारा वेस्ट मार्क जो था हमें उसे पर भी हमें कट कर लेना है ये देख सकते हैं गाइज़ ये हमारी कटिंग हो चुकी है अब मैं इसे फैब्रिक को ओपन कर लूँगी और देखिए इस तरह से ये हमारे दो फैब्रिक हो गए हैं और हमें ये हमारी फैब्रिक की ओपन साइड है हमें इस पर स्टिच लगा लेनी है ये देखिए गाइज़ हमने अपने फैब्रिक पर जो हमने कट किया था हमरेला कट हमने उस पर स्टिच लगा ली है आप देख सकते हैं देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है और ये देखिए गाइज हमारा ये इनर पार्ट है मैंने इसे सेम जो हमने नेट का फैब्रिक कट किया है मरला कट शेप में सेम मैंने ऐसे ही ये लाइनिंग फैब्रिक भी कट किया है इसकी वर्थ भी बिल्कुल सेम है मैंने इसे सेम कट किया है तो देखिए मैं नीचे की साइड से इसे अंदर को कर लूँगी और इस तरह से ये देखिए हमारा इनर अंदर की साइड चला गया है और ये देखिए मैंने गई जो हमारी लाइनिंग की लेंथ थी वो हमने अपने मेन फैब्रिक से यानी नेट से एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि हमें इसमें अभी और भी काम करना है तरह से आपको भी इसकी लेंथ एक्स्ट्रा रखनी है और ये देखिए हमारे ये टॉप पार्ट है हमें इस तरह से इसमें जॉइंट कर लेना है अपने टॉप पार्ट को हमें इसकी स्टिच लगा लेनी है ये देखिए गाइज अब हम फ्रिल कट करेंगे ये देख सकते हैं आप इसकी लेंथ जो थी फैब्रिक की मैंने सभी लेंथ रख ली है जो भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ था दुपट्टे का निकाल कर जो भी फैब्रिक बचा हुआ था मैंने वो रख लिया ये इसकी फैब्रिक की ओपन साइड है आप देख सकते हैं ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और इसकी लेंथ गाइज इसकी लेंथ और ये इसकी विर्द है मैंने इसकी विर्द फिफ्टीन इंच रखी है हमें फ्रिल रेडी करनी है तो इसकी लेंथ लेंथ हमने फिफ्टी एट रखी थी और इसकी विर्द हमने फिफ्टीन इंच रखी है और ये देखिए गाइज़ हम इसे साइड से जो हमारा फोल्ड साइड था हमें उसे कट कर लेना है ये देखिए जो हमारे बाकी का फैब्रिक है हमें उसे अलग कर लेना है इस तरह से मैं इसे फैब्रिक को ओपन कर लूँगी और ये देखिए गाइज़ ये हमारा फ्रील की लेंथ है इसकी विर्थ काफ़ी है क्योंकि ने, नेट की विद काफ़ी होती है ये देखिए गाइज ये हमारे ऊपर की साइड और ये हमारी नीचे की साइड है तो हमें गाइज इसे नीचे की साइड से हमें इसे फोल्ड करना है हमें इसे डबल फोल्ड करना है आप चाहे तो इस पर पी को भी करा सकते हैं और ये देखिए गाइज़ ये हमारी ऊपर की साइड है तो गाइज़ हमें इसमें ऊपर की साइड में हमें इसे इस तरह से इसमें गैदरिंग बनानी है देख सकते हैं आप हमने इस तरह से हमें गैदरिंग करनी है हमें इसमें गाइज प्लेट्स यूज़ नहीं करनी है क्योंकि नेट फैब्रिक है हमें हम इस इसमें इस तरह से वाली गैदरिंग करनी है ये देखिए गाइस ये मैंने जो आप देख सकते हैं जो भी हमारी मशीन में बड़ा सिलाई होती है बड़ी चाल की मैंने उस उस तरह से इस पर सिलाई की है आप से देख सकते हैं ये थ्रेड वाली गैदरिंग हमने की है ये देखिए गाइज हमें लूज हैंड से एक थ्रेड को पकड़ना है इस तरह से हमें थ्रेड को टाइटली नहीं पकड़ना हमें लूज़ हैंड से थ्रेड को पकड़ना इस तरह से अपनी गैदरिंग को बनाते जाना है ये देख सकते हैं हमें गैदरिंग को एडजस्ट करना है इस तरह से ये देखिए मैंने इस तरह से सारी गैदरिंग बना ली है आप इस तरह से करेंगे तो इसमें लुक काफ़ी अच्छा आएगा ये देखिए गाइज आप देख सकते हैं ये हमारी गैदरिंग बनकर रेडी हो गई है इस तरह से ये बहुत जल्दी भी बन जाती है ये देखिए ये हमारी जो फ्रिल थी वो हमारी साड़ी में गैदरिंग बन चुकी है ये देख सकते हैं आप और ये देखिए गाइस हमारा जो टॉप पार्ट था हमने उसे भी तब तक हमने उसे भी ज्वाइंट कर लिया था और ये हमारा नीचे की साइड है ये देखिए हमारा नेट फैब्रिक है ये देख सकते हैं इसका फ्लेयर भी काफ़ी है और ये जो हमने फिल रेडी की थी इस तरह से गाइज़ हमें नीचे रखते हुए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें इसमें इस तरह से ऐड करनी है ये देख सकते हैं आप हमें फिल को नीचे की साइड ऐड करनी है गाइज़ मैं आपको इसमें एक मिस्टेक हो चुकी है तो मैं बताती हूँ आपको जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है हमें उसकी लेंथ ज़्यादा रखनी है मैंने बाद में ऐड कर दी थी ये देखिए गाइज़ हमें इस तरह से अपनी गैदरिंग को ऐड कर लेना है ये देखिए हमारा ये एडजस्ट करते हुए हमें इन्हें सिक्वेंस सॉरी हमें इक्वल में अपनी गैदरिंग जो बनानी है वो हमें इक्वल में रखनी है ऐसा नहीं करना है कि हमें अपनी गैदरिंग कभी कहीं 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 कम कहीं ज़्यादा रखनी है हमें ऐसा नहीं करना है ये देखिए गाइज हमारी जो फ्रिल थी वो ऐड हो चुकी है ये देख सकते हैं आप इसका लुक काफ़ी आ रहा है और इसका फ्लेयर भी काफ़ी आया है और ये देखिए ये हमारा दुपट्टा है जो गाइज़ मैंने इसमें से साइड में से दुपट्टे को आप याद रखिएगा अब अगर आप नेट का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो विद थी दुपट्टे में से उसमें फैब्रिक न, निकाल लेना है और ये देखिए अब हम अपने दुपट्टे को ऐड करेंगे जिस पर मैंने ट्वेंटीन इंच पर मार्क किया है तो ये देखिए हमें गाइज ट्वेंटी इंच पर हमें यहाँ से अपने दुपट्टे को ऐड कर लेना है ये देखिए मैंने यहाँ स्टिच भी नहीं लगाई आप देख सकते हैं ये देखिए गाइज़ हमें दुपट्टे का एक कॉर्नर लेना है जिसे मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया था हमें दुपट्टे का एक कॉर्नर लेना है और हमें इस तरह से उसे ऐड करना है ये देख सकते हैं आप हमें दुपट्टे के कॉर्नर को इसमें जॉइन कर लेना है इस तरह से देखिए गाइज ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है किसने कितने इजी वे में हमने ये ड्रेस बनाई है तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय